बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया और अंजलि ठाकुर ने भी उसने निराश नहीं किया। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाकर अंजलि ने अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। उपमंडल नूरपुर की पंचायत वासा बजीरक की अंजलि ठाकुर बीएड टॉपर को गत दिवस शिमला में आयोजित 24वें दीक्षांत समारोह में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोल्ड मेडल और डिग्री से नवाजने पर समूचा नूरपुर क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अंजलि 2016-17 बैच की तारा देवी बीएड कॉलेज वासा बजीरा की छात्रा रही हैं और बीएड में टॉप किया था। अंजलि के ससुराल नूरपुर क्षेत्र की पंचायत वासा बजीरा तथा मायका भी नूरपुर क्षेत्र की छतरौली गांव में ही है। अंजलि की इस कामयाबी पर न केवल उनके परिजनों बल्कि नूरपुर के लोगों को भी अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। अंजलि का जन्म 27 मई 1992 को छतरौली में हुआ था। अंजलि ठाकुर के मायके पक्ष में पिता हरदेव सिंह, माता सुनीता देवी और एक भाई निखिल ठाकुर है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। ससुराल पक्ष में पति मनु पठानिया प्राइवेट जॉब में कार्यरत है। इसके अलावा सास ससुर और एक देवर है। अंजलि ने बताया कि इसका सारा श्रेय अपने माता पिता खासकर अपने पिता को देना चाहेंगी क्योंकि वो हर समय मेरे साथ रहे और हमेशा शिक्षा के लिए मुझे प्रेरणा दी। राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूं और मैं सभी को यही कहना चाहती हूं कि कभी न कभी हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आगे भी शिक्षक के तौर पर कार्य करती रहूं। अंजलि ने कहा कि मैं बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूं कि बेटियों को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी क्योंकि सबसे पहले कदम हम उठाएंगे तभी हमारे परिवार वाले, हमारा समाज हमारी मदद करेंगे। अगर आसपास देखा जाए तो कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे बक्सो देवी जिला ऊना में सुलियानी में आकृति हीर जिसने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर हमारे देश का नाम रोशन किया है और आज मैं भी उन्हीं लड़कियों में शामिल हूं। इसीलिए पहले अपनी सोच बदलिए तभी पूरा राष्ट्र बदलेगा। आज मैं जो भी हूं इसका श्रेय जो है वो मैं अपने माता पिता स्पेशली कि मैं अपने पापा को देना चाहूंगी क्योंकि वो मुझे हर एक टाइम में मेरे साथ रहे और हमेशा एजुकेशन के लिए उन्होंने जो है वो मेरे को मोटिवेट किया। अब जो है वो मेरी शादी को 1 साल हो गया है, मैंने आगे भी जो है अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की है। मेरे जो इन लॉज हैं स्पेशली मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे काफी कोऑपरेट करते हैं। अभी मैं एमएससी डेयरी से कर रही हूं और आज मुझे खुशी है कि जिस स्कूल से मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कम्प्लीट की मैं वहीं पर जो है वो टीचिंग करवा रही हूं। और जब जो है वो मेरे सर मुझे पूरी प्रेयर में सभी के सामने जो है वो सम्मानित करते हैं तो मुझे वहां पे भी जो है एक बहुत ही गौरव जो है वो प्राप्त होता है। और आज इस मेडल को प्राप्त करके जो है वो मुझे काफी खुशी होती है। इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि कभी ना कभी जो है वो हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है और आप सभी भी अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखिए क्योंकि इससे हम अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम जो है वो ऊंचा करते हैं। और मेरे जो आगे का लक्ष्य है वो भी मैं टीचिंग में ही जाना चाहूंगी ताकि, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने राष्ट्र के निर्माण में और अपनी टीचिंग में जो है वो पूरे दिल से जो है वो अपनी सेवा दूं। वो यही संदेश देना चाहूंगी कि आजकल जो बेटियां हैं वो भी बेटों से कम नहीं है। सबसे पहले तो जो बेटी है उसी को अपनी सोच जो है वो बदलनी होगी क्योंकि सबसे पहले कदम अगर हम उठाएंगे तभी जो हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज, हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो हमारी हेल्प करेगी। और आसपास में जैसे हमें देखा जाए तो कई सारे जो एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे बक्सो देवी है डिस्ट्रिक्ट ऊना से और हमारे सुलियाली से ही एक लड़की है आकृति ही जिसने एक एवरेस्ट की चोटी पर जो आई थिंक नेपाल में है वहां पर चढ़कर जो है वो हमारे देश का नाम रोशन किया और आज हम भी उन्हीं लड़कियों में शामिल हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलिए तभी पूरा राष्ट्र बदलेगा। मेरा नाम मनु पठानिया है। मेरी वाइफ अंजलि ठाकुर ने पूरे विश्वविद्यालय में बीएड में टॉप करा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आज सुबह से हमें पूरे इलाके से बधाइयां मिल रही हैं इसलिए हम बड़े खुश हैं।